मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। मेरी कुटिया के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। न कोई दरिद्र था, न कोई दुखी था, न कोई दीन था। प्रेम जब सब पर होगा, सब में होगा, तब राम राज्य आएगा। प्राण प्रतिष्ठा 7 दिन का उत्सव है। मैं किसी भी शंकराचार्य पर, जगत गुरु जी पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता। नमस्कार, मैं हूँ आयुषी मित्तल और आप देख रहे हैं DNA। जनवरी का ये महीना वैसे तो बहुत ही खास होता है, क्योंकि हम सब लोग इसमें नए नए रेजोल्यूशंस लेते हैं, नए नए वादे करते हैं कि हम लोग कुछ नई नई चीज़ें करेंगे। लेकिन ये जनवरी का महीना इसलिए खास है क्योंकि एक बहुत ही पुरानी मनोकामना पूरी होने वाली है। राम आ रहे हैं। जी हाँ, राम मंदिर का उद्घाटन होने ही वाला है। राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। लेकिन राम को जिंदा रखा है उनके भजनों ने राम के नाम में। और एक भजन अभी बहुत ही विख्यात है, आप हर जगह उसे देख रहे हैं, अपनी इंस्टाग्राम की रील पे, सड़कों पे और सबके मुख में भी, वो है राम आएंगे। और इस भजन को घर घर तक पहुँचाने का काम किया है पूज्य प्रेम भूषण महाराज जी ने, जो आज हमारे साथ हैं। तो महाराज जी, सबसे पहले मैं DNA परिवार की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। धन्यवाद। तो जैसा कि मैं अभी सब दर्शकों को बता भी रही थी कि राम नाम की धूम हर जगह है। हम राम जी के हैं, राम जी हमारे हैं, ये कह के हमने राम जी को अपने समीप लाया। आपका एक और भजन है कि निर्मल मन के दर्पण में राम का दर्शन पाएंगे, तो ये भजन गा के हमने राम जी को अपने दिल में ही बसा लिया। और अब एक बहुत ही विख्यात हो रहा है आपका भजन, जिसका नाम है, बहुत ही प्रसिद्ध हो रहा है कि राम आएंगे। तो जब आप देखते हैं कि युवा पीढ़ी में, स्पेशली युवा पीढ़ी में जब आप देखते हैं कि वो राम के आने से इतने उत्साहित हैं, तो आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। जवान भाई बहन हमारे भजनों को गाते हैं और अपील करता है उनको, अब इससे सुंदर सौभाग्य क्या है। बहुत अच्छा लगता है, आनंद आता है, रोमांचित होते हैं। चलो कम से कम जवान भाई बहनों में ये चेतना है कि अब तक तो ये आते थे वो आते थे, कम से कम उनके हृदय में राम तो आते हैं। बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसा बोला जाता है कि राम आते हैं तो राम राज्य भी आता है, तो क्या इस बात की उम्मीद है कि अब राम राज्य आ ही जाएगा? बेटा आयुषी, पहले राम राज्य समझ लो। राम राज्य की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? नहीं दरिद्र को दुखी, न दीना। न कोई दरिद्र था, न कोई दुखी था, न कोई दीन था। नहीं को अबुध, कोई बुद्धिहीन नहीं था, पागल नहीं था। न लच्छ नहीं, सब नर करहीं परस्पर प्रीति। चलहीं स्वधर्म निरत श्रुति रीति। सब आपस में प्रेम करते थे, एक दूसरे का आदर करते थे। देखो, प्रेम बेटी एक परिभाषा है। प्रेम इज नॉट एन एक्शन, प्रेम एक व्यवहार है। ये मेरे सुपुत्र हैं, जब इनमें मैं ममता रखूंगा तो पिता जैसा मेरा आदर करेंगे, इनमें ममता ही मैं नहीं रखूंगा, दिन भर को डांटूंगा तो ये हमसे मिलने से डरेंगे, कतराएंगे, अलग रहेंगे, और नहीं तो मेरे पास बैठे रहेंगे। तो प्रेम जब सब पर होगा, सब में होगा, तब राम राज्य आएगा। कलयुग चल रहा है बेटी, राम राज में दैहिक दैविक भौतिक तापा। राम राज का हु ही नहीं व्यापा, नहीं राम राज नहीं का हु ही व्यापा। दैहिक माने शारीरिक, दैविक माने देवताओं के द्वारा, और भौतिक माने संसार के सुख सुविधाओं का कोई ताप किसी को नहीं था। संभव है, कोई झूठ नहीं बोलता था बेटी, मदिरा नहीं बिकती थी राम राज्य में। ये केवल देखो 2-3 बातें आप दिमाग में बिठा लो, पापा को भी बता देना। क्या? काम क्रोध मद मोह लोभ मत्सर, ये 6 विकार है।
इससे कोई बचा नहीं है, न कोई बच सकता है। राम राज्य में भी 10% लोगों के था, 90% लोग शुद्ध रहते थे, सतयुग था, त्रेता था, ये त्रेता तक चला। दुनिया भर के लोग राम मंदिर का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उसके लिए कुछ ना कुछ बातें भी कर रहे हैं। जैसे कि अभी एक बयान आ रहा था शंकराचार्य जी का, जो चार मठ के प्रमुख शंकराचार्य हैं उनमें से एक ने ये कहा था कि जो प्राण प्रतिष्ठा है वो किसी भी अधूरे मंदिर में नहीं होती। तो इस बात में कितनी सच्चाई है, मैं आपसे जानना चाहूँगी, और प्राण प्रतिष्ठा क्यों ज़रूरी है, ये दो सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगी। ये प्राण प्रतिष्ठा क्या, वहाँ जो भगवान विराजमान हैं उन्हीं को वहाँ रखना है। ये बेटी वस्तुतः लोकार्पण का उत्सव है, क्योंकि उसमें कई मंदिर बन रहे हैं, कहीं काले भगवान होंगे, कहीं गोरे होंगे, उन भगवानों की प्राण प्रतिष्ठा वहाँ रखी जाएगी, उनका उत्सव होगा। आदरणीय मोदी जी के पास 7 दिन का समय नहीं है, प्राण प्रतिष्ठा 7 दिन का उत्सव है, और देश के राष्ट्राध्यक्ष हैं वो, घंटा दो घंटा उनके लिए बहुत है, यहाँ रहना, एक दिन रह जाएंगे अधिकतम। अकेले देश नहीं देखना है, विदेश भी देखना है, घटनाक्रम भी विचार करना है, और उनके एक दिन रहने में कम से कम 10-20-50 लाख पर डे खर्चा होता है, ऊपर खर्चा हो, करोड़ों खर्चा होता होगा, आएंगे विश्व के का बहुत लोग आ रहे हैं, तो ये और भगवान का तो ठीक है, प्रधान मंदिर में वही ठाकुर जी विराजेंगे जो वहाँ ऑलरेडी हैं। ये राष्ट्र मंदिर बन रहा है, इसलिए राष्ट्राध्यक्ष अपने सौभाग्य के कारण से उनको ये अवसर भगवान ने दिया, और हम लोग प्रजा हैं तो राजा प्रजा के आनंद में कुछ उत्सव करता है तो प्रजा को बाजे बाजे के साथ उसका वेलकम करना चाहिए, जैसे राम जी का वेलकम हुआ है। ये राम मंदिर का लोकार्पण हो रहा है बेटा, ये उत्सव है। और रही बात दूसरा प्रश्न आपका, शंकराचार्य भगवान, अब हम हैं कथावाचक राम जी के, तो मैं किसी भी शंकराचार्य पर, जगत गुरु जी पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता। वही जो मेरा पहला सवाल था कि प्राण प्रतिष्ठा क्या होती है। भगवान जब नया विग्रह बनाया जाता है बेटा, तो उनको उनका पहले जलाभिषेक होता है, अन्नाभिषेक होता है, मृतकाभिषेक, बहुत सारे वो क्रम है 7 दिन का, उसके बाद में प्राण का आवाहन होता है, तभी विग्रह सिद्ध होते हैं। प्राण का महन जब आचार्य करते हैं तो विग्रह में कंपन होता है, फिर वो विग्रह सिद्ध हो जाता है, क्योंकि उनमें प्राण आ गया तब भोग लगना शुरू होता है। यदि भगवान में प्राण का आवाहन नहीं किया गया तो भोग नहीं लग सकता है, मूर्ति थोड़ी खाएगी, केवल एक मूर्त है, मूर्त है वो, कलाकार के यहाँ जो है मूर्त है। जब आचार्य लोग वेद मंत्र के सानिध्य में उनका हिसाब अन्नवास, जलवास, सप्तमृतिकावास, फलावास, फलावास, पुष्पवास करते हैं, तब उनको स्वरूप प्राप्त होता है। जैसे जीव बोलने लगता है वैसे परमात्मा का विग्रह भी बोलने लगता है, ये है प्राण प्रतिष्ठा। और क्या ये अधूरे मंदिर में होती है? ऐसा अधूरा कहाँ है, मंदिर कहाँ अधूरा है, अभी तो निर्माण कार्य चल ही रहा है। अरे बेटी चलता रहेगा, राजा का काम ऐसे होता है, बिरला जी का कहीं काम बंद नहीं हुआ, जैसे आजकल अंबानी का कोई काम चलेगा तो बंद थोड़ी हो जाएगा, वो अंदर काम चल रहा है, सब ठुकाए रहा है, बन रहा है। अभी वो जो 7 माले का बनाए हैं कहाँ पर, बम्बई में, वो रोज ठुक 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 करते होंगे, दिखाना भी तो है कि पैसा क्या कर रहे हैं आप। हाँ बलता है, ऐसा कुछ नहीं होता, बाहर का आवरण अंदर का गर्भगृह बन गया है, जहाँ प्रतिष्ठा होना है। अब वो मंदिर बेटा जी इतना बड़ा है, 184 खंभे तैयार है ना, ऊपर की छतरी तैयार है ना, ठाकुर जी जहाँ बैठे वो यज्ञ मंडप तैयार है ना, तो अगल बगल तो पुताई चुनाई चलती रहेगी, उनमें कोई ब्रश थोड़ी मारना है, सब बन गया है, मंदिर बन गया है। अगल बगल जो बाहरी आवरण है वो तो अभी 5 साल तक चलता रहेगा, अभी पार्किंग व्यवस्थित हो रही है, अयोध्या की गलियां व्यवस्थित हो रही हैं। अरे आप अयोध्या जाओ, अभी क्या कहें आपको, क्या सजा है अयोध्या, अद्भुत। तो आप इस बार जाएंगे, 22 जनवरी को जाएंगे? अरे मेरा निमंत्रण है भाई इनको कार्ड दिखाओ आयुषी को मेरा, बिल्कुल देखेंगे और क्या, मैं संघ का प्रचारक रहा, संघ का स्वयंसेवक हूँ, मैं क्यों नहीं जाऊँगा, अवश्य जाऊँगा, जाना चाहिए।
और जिसको बुलाया जाए जाना चाहिए। शेष कथाओं में तो मैं रोकता हूँ भाई, आप लोग मत जाइए क्योंकि भीड़ होगी, आप 25 के बाद आइएगा क्योंकि भीड़ बहुत है, भीड़ बहुत है, बहुत है। प्रमुख प्रमुख लोगों को बुलाया गया, राम के भक्त भी तो बहुत है, बहुत है, पूरी दुनिया भक्त है बेटा। हम मॉरिशस गए, अमेरिका गए, जहाँ गए वहीं भगवान के भक्त मिलते हैं, कोई टेंशन नहीं। हमने अभी डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी की बात करी तो अभी कुछ दिन पहले उन्होंने ट्वीट भी किया था, वो थोड़े से नाराज चल रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी से, और उनका ये कहना है कि जो प्राण प्रतिष्ठा की पूजा होती है, जो आपने बोला कि अब मीडिया वाले यूज़ कर रहे हैं और सरकार ने भी हमें यही बताया है कि प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, वो जोड़े से होती है, उसमें जोड़े बैठते हैं, लेकिन मोदी जी तो सिंगल हैं। लेकिन नहीं, मोदी जी विवाहित हैं। हाँ जी, विवाहित हैं, विवाहित हैं, सिंगल नहीं है। चूँकि विवाह उनका समय से पहले हो गया था, जब वो बचपन से किशोरावस्था में जाते जाते उनका विवाह हो गया था। हाँ जी। और जीव की चेतना कभी भी ऊर्ध्वगमन कर सकती है। जब वो भारतीय जनता पार्टी के संगठन मंत्री बन करके आए तो मोदी जी के पास बीबी और बच्चों के लिए समय नहीं, घरे के लिए समय नहीं, उनके अपने लिए समय नहीं है उनके पास। तो बहू जी अपना अलग दुनिया में रहती है, अध्यापिका थी वो, मोदी जी अपना राष्ट्र सेवा में। यदि संसार का नियम है, दो तीन बातें आपको मैं बता दूं। राजा, इस समय देखो मैं कथावाचक हूं, मेरे ऊपर कोई अनुशासन नहीं लगता है कि मैं बच्चे के बर्थडे में जा रहा हूं, किसी की बिटिया के ब्याह में जा रहा हूं, उसी के बीच में गमी में चला जा रहा हूं तो मैं अशुद्ध नहीं हुआ, मैं कपड़े नहीं बदलूंगा। राजा, सदगुरु, आचार्य, पुरोहित, ये अपने विधिक का पालन कर सकते हैं, उसके लिए सारी व्यवस्था है। मोदी जी राजा हैं, प्रधानमंत्री हैं, वो स्वयं अकेले पूजा करें कि दुकेले पूजा करें कि चार मंत्रियों के साथ पूजा करें, उन पर कोई अनुशासन नहीं लागू होता। आचार्य चाणक्य कहते हैं कोई अनुशासन नहीं, राजा है, प्रजा के हित में वो कुछ भी कर सकते हैं, अब वो करते हैं। ये डॉक्टर साहब की बात है, डॉक्टर साहब पूज्य हैं, हम उनको कुछ कहेंगे नहीं, वो महापुरुष हैं। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी इज नॉट पर्सन, ही इज ऑर्गेनाइजेशन, ही इज अ इंस्टीट्यूशन। हाँ, यू कैन से, या वो मतलब एक विराट व्यक्तित्व का नाम है डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी। उनका अपना अच्छा रही बात नाराजगी की, जो व्यक्ति इतना तपस्या किया है थोड़ा तो रहना ही चाहिए, आप जानते हो। तो राम जी सबका उद्धार कर रहे हैं, चाहे आप उनका नाम मन से लें चाहे बेमन से लें, पर उनका नाम ले रहे हैं। नहीं नहीं बेटा, मन बन नहीं, भाय कुभाय अनख आलस, अनख मैंने शत्रुता पूर्वक भाव से, सीताराम जय सीताराम सीता, कुभाव से, अरे तुम जपो राम, बेभाव कुभाव से अपने राम अपने पास रखो, तब भी कल्याण है। रावण को जब मारे, तो मैं परसों पढ़ रहा था व्यासपीठ पर, तो मारे भगवान, सिर उसके कट गए, भुजाएं कट गई, अब धड़ दौड़ने लगा, तो भगवान को लगा ये कहीं पाताल न चला जाए, तो संस्कार भी तो कराना है, तो वहाँ जाएगा तो वहाँ उत्पात करेगा। एक बाण जो अगस्त जी वाला था, वो रघु जी जो निकाले थे, नाभि में लगा, अमृत सूख गया तो नए आवे नहीं हाथ पैर उसके, तो भगवान ने उसके हृदय में बाण मारा जहाँ स्वयं विराजमान थे। एक बाण भगवान ने जब मारा, यहां से आवाज निकाला, गर्जे मरत घोर रव भारी, कहां राम रन हतौ पचारी, हृदय बोला कहां है राम, ललकार कर मारूंगा, अंत समय में बोला वो, और तासु तेज समान प्रभु आनंद, उसका तेज भगवान के मुख में प्रवेश कर गया। गति तो वही है सबकी, सब बेटी वही जाने हैं। विरोधी विभाय कुभाय अनख, बेमन से आलस हो जमाई लेके भी, नाम जपत मंगल दिसी, प्रेम से करो, विरोध से करो, समर्थन से करो, कुछ भी करो, राम जी का कुछ भी, राम विरोध है करो, तब वो कल्याण होगा। प्रभु जी, शायद मैंने आप ही की कथा में एक बार सुना था कि जब जब कहीं भी राम कथा होती है तो हनुमान जी जरूर आते हैं, अवश्य आते हैं। तो ये तो अब राम जी खुद ही आ रहे हैं, तो क्या हनुमान जी भी आएंगे? हनुमान जी तो वहीं रहते ही, कहीं कहीं चारों युग प्रताप तुम्हारा, हनुमान जी वहीं रहते हैं। इसकी कथा तुम्हें बता दूं, अयोध्या जब जाना तो देखना। श्री हनुमान जी को जानकी अम्बा ने यह आशीर्वाद दिया था कि बेटा, आप चूँकि यहाँ रहोगे और हमारी सेवा में रहोगे
तुमसे ऊंची गढ़ी किसी की बनेगी तो प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो पाएगी। श्री हनुमान जी के हनुमानगढ़ी मंदिर के सामने एक मंदिर बना है, बनाने वाला चला गया, वो प्रतिष्ठा नहीं करा पाया, हनुमान जी गए नहीं। चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। देखो सतयुग में हनुमान जी कहाँ रहते हैं, अतः भगवान के साकेत में सेवा में रहते हैं, द्वार पर चरण सेवा, त्रेता में राम जी के संग में रहते हैं, द्वापर में जब बुलाए आह्वान किए कृष्ण भगवान तो अर्जुन के रथ पे आ गए, ठीक है। अब गली गली में हनुमान जी हैं, यहाँ कथाकार लोग आह्वान करते हैं, आइए हनुमंत पधारिए कथा करु मति अनुसार। अब जैसे आसन लगाएंगे पधारिए पवन कुमार, हनुमान जी आ जाएंगे, कहीं बैठ जाएंगे आके सुनते रहते हैं। इसलिए कथा में कोई विक्षेप नहीं करना चाहिए, कथा में उत्पात नहीं करना चाहिए, कथा भगवान हनुमान जी सबको मिला करके बड़े प्रेम से केवल कथा कथा के लिए सुनाना चाहिए। हर बिल्कुल बेटी है वो गए नहीं। एक रिक्वेस्ट वो मेरी पर्सनल थी, वो बहुत लोगों की थी कि राम आएंगे जो भजन है वो अगर आप ही के मुख से, वो आप ही के मुख से शोभा देता है। वैसे तो बहुत लोग उसको गा रहे हैं लेकिन इस इंटरव्यू का समापन हम उससे ही करेंगे। दो अल्तरा सुना देता हूँ, मैं गाता नहीं हूँ, गाती मेरी टीम है, मैं तो शुरू कर देता हूँ। मैं इस भजन को लिखा था 2004 में मैंने। हाँ जी। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे राम आएंगे, मेरी कुटिया के भाग आज जाग जाएंगे राम आएंगे। मैं सबरी माँ सोचती हैं राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे तो दिया मैं जलाऊंगी, राम आएंगे तो दिया झूला मैं झूलाऊंगी, मीठे मीठे गीत प्रभु को सुनाऊंगी, अरे मेरे जन्मों के पाप सारे धुल जाएंगे राम आएंगे, मेरे जन्मों के पाप सब धुल जाएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज जग जाएंगे राम आएंगे। अब देखो राम आएंगे तो दिया मैं जलाऊंगी, राम आएंगे तो दिया न जलाऊंगी, प्रभु को देख के दिवाली मैं मनाऊंगी। तीसरा अंतरा है मीठे मीठे बैर प्रभु के खिलाऊंगी, अरे मैं गुरु कृपा से ही भाग मेरे खुल जाएंगे राम आएंगे, गुरु कृपा से ही पाप ताप मिट जाएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे राम आएंगे। तीन अंतरे इसके हैं, मैंने तीनों समेट दिया एक में आपके। भगवान की इस भजन पुस्तिका में मैंने 20 भजन अपने पुस्तिका में नहीं डाले हैं, क्योंकि जो ले लेते हैं लोग तो सब गा के बिगाड़ के धर देते हैं। एक भजन मेरा कोविड में बहुत चला, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया अब मात तो किस बात की चिंता, किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता, तेरे स्वामी को रहती है तेरी हर बात की चिंता। क्यों तो विभीषण को अभय बर दे किया लंकेश पल भर में,
विभीषण को अभय बर दे किया लंकेश पल भर में, उन्हीं का कर रहे गुणगान तो किस बात की चिंता। एक भजन, वो भी भजन बड़ा लाइकलिंग है और वो प्रिय भी लोगों को है। भजन करा होई तवन होई हो, ये जो करते रहो, ये तो कई करोड़ लोगों ने सुना, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे, जो करते। 1300 भजन गाया हम लोगों ने, गाते गए। मैं इतना खो गई थी जब आप लोग गा रहे थे तो मैं भूल ही गई कि अब मुझे आगे क्या बोलना है। तो मुझे लगता है जब शब्द खत्म हो जाते हैं तो वही समापन है, और मुझे लगता है कि हमारे भाग जाग गए हैं कि हमें आपका सानिध्य प्राप्त हुआ, और आपने इतने सुंदर तरीके से हमें राम की नगरी में ले गए, राम के और करीब ले गए। और हम जो इनॉग्रेशन होने वाला है राम मंदिर का, इसके भी हम लोग एक छोटे से पार्ट बन गए, ये हमारा सौभाग्य है। तो सबसे पहले मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने हमारे लिए समय निकाला और बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत ही आराम से, बिना किसी जल्दबाजी के आपने हमें अपना समय दिया। तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आशीर्वाद आपको। तो ये थे महाराज प्रेम भूषण जी कानपुर वाले। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और साथ ही देखते रहिएगा DNA।